तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों ने अब आंदोलन को तेज कर दिया है। किसान मोर्चा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी के कार्यक्रम में किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वो आए 25 तक यहाँ पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। जो केएमपी की परेड है, रिहर्सल परेड है, ऐसी और भी परेड अलग अलग जगह होंगी, लेकिन फाइनल परेड 26 को दिल्ली में होगी और पूरे देश में कॉल है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए हरियाणा के जींद में किसान महिलाओं को ट्रैक्टर ट्रालियां चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जींद से पंजाब को जाने वाले नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास इन महिलाओं को ट्रेनिंग लेते देखा जा सकता है। संकरी गलियों से कैसे निकलना है ये भी महिलाओं को सिखाया जा रहा है। तक के अंदर कम से कम 20 महिलाएं ट्रैक्टर चला रही हैं और इसी किस्म के प्रयास उसी की देख करके उसी के अनुभव के देख के दूसरे इलाकों में भी इस किस्म की ट्रेनिंग चल रही है। तो जींद में कौन कौन सा है? जींद के अंदर ब्रिछोड़ा में भी है, खटखट में भी है, पोखरी खेड़ी में भी एक महिला ट्रैक्टर चला रही है। कार से डॉक्टर दर्शन पाल ने एक वेबसाइट बनाई है अपनी और एक अखबार भी निकाला है। क्या नाम है उसका? हाँ, ट्रॉली के नाम से। और वो 14 देशों से जो बड़े बड़े कृषि प्रधान देश हैं उनके साथ वो लिंक सोशल मीडिया अपनी साइट बना करके जुड़ चुका है। विदेशों से हिंदुस्तान को सहयोग मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि वो ये दूसरे किस्म से पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं। ब्रेकरों से ट्रैक्टरों को कैसे निकालना है ये भी सिखाया जा रहा है। पहले किसान महिलाओं के साथ बैठकर उन्हें ट्रैक्टर चलाना सिखा रहे हैं तो उसके बाद महिलाओं से अकेले ही ट्रैक्टर चलवाकर देखा जा रहा है। दी जा रही है महिलाओं को, बच्चों की ट्रेनिंग दी जा रही है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे गांव गांव में महिला जैसे खेत में जाती हैं तो महिला को पहले नहीं देते थे ट्रैक्टर, अभी हर महिला को ट्रैक्टर सिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि 26 जनवरी को राजपथ पर सेना की परेड के साथ साथ ट्रैक्टर परेड, ऐसा सेना को तो शायद जगह ही नहीं मिलेगी, ट्रैक्टरों की परेड होगी। 26 तारीख का इंतजार कर रहा पूरा देश और या तो ये 4 तारीख को मान लेंगे, इससे भी ज़बरदस्त, क्योंकि चारों तरफ देश में किसानों ने घेर लिया है दिल्ली, क्योंकि बाहरले बॉर्डर तो हमारे पास थे, चाइना, अमेरिका, ना ये पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, ये तो बॉर्डर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, लेकिन एक बॉर्डर हमारा दिल्ली में बना दिया हमारे किसानों के लिए। ये आज तक किसान 4 महीने के मतलब 32-35 दिन तो ये हो गए हैं और 4 महीने पंजाब पहले बैठा था। कोई भी इरादा किसानों का तोड़ फोड़ करने का नहीं है, बड़ा शांतिपूर्वक है, किसान किसी को नहीं छेड़ेगा। आज यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाओ, किसी भी रेहड़ी वाला भाई, दुकानदार भाई के मूँगफली या कोई बहू बेटी या कोई ऐसी कोई तकरार नहीं, इन्हीं के आदमी पकड़े हैं, आरआरएस के आदमी पकड़े हैं जो आंदोलन खराब करना चाहते। अगर पुलिस किसानों के ऊपर अटैक करेगी किसान फिर पीछे नहीं आते। मेरा नाम सतवीर पहलवान, बरसोला, प्रधान, खेड़ा खा। महिलाओं का साफ कहना है कि 26 जनवरी को वे खुद ट्रैक्टर ट्रालियां चलाकर दिल्ली पहुंचेंगी और राजपथ पर परेड करेंगी। महिलाओं ने कहा कि वे किसान की बेटी हैं और वे अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। हम ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं, जो सरकार नहीं मानेगी ना तो 26 तारीख ना हम परेड करांगे दिल्ली। किसके साथ? ट्रैक्टर ट्रेली के साथ, सभी औरतें हम ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं। तो दिल्ली पहुंचोगे आप? हाँ, दिल्ली पहुंचाएंगे, ट्रैक्टर ट्रेली लेकर ना परेड करांगे, उड़े पीछे नहीं हटांगे, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटांगे। किसान की बेटी हूँ, किसान को ऊपर सरकार ने बहुत अत्याचार कर दिए, हम सहन नहीं कर सकते। उधर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर
चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। सेना को परेड की जगह ही नहीं मिलेगी, चारों तरफ ट्रैक्टरों की ही परेड होगी। अगर 4 तारीख को ये कृषि कानून और MSP गारंटी का कानून नहीं बनाया सरकार ने, तो हमें 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। तो और भी हमको बड़ा कदम उठा सकते हैं? हाँ, कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे और जो भी हमारी किसान संयुक्त मोर्चा की कमेटी का जो फैसला होगा उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो हमारा कार्यक्रम ट्रैक्टर रैली निकालने का हुआ है 6 तारीख को, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो कितने ट्रैक्टर पहुँच रही है आसमान में? वहाँ लाखों ट्रैक्टर हो गए, इधर से उधर घुमा देंगे सारे बॉर्डरों पे। और जो ये गाजीपुर है नहीं, वो उसको गाजीपुर नहीं है, नेशनल हाईवे है जो गुड़गावा और जयपुर वाला, उसको कंप्लीट रूप से बंद कर देंगे 4 के बाद। और 26 तारीख को लेकर जो 26 जनवरी उसके लिए 26 तारीख को हमने उस पर हमारे जो राजपथ है उस पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर वहाँ पहुँचेंगे और हमारी महिलाएँ भी इसके लिए ट्रेनिंग लेने लग रही है गाँव में। जी, हमने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए हैं, महिलाएं भी वहाँ ट्रैक्टर लेके दिल्ली के अंदर पहुँचेंगी और वहाँ जैसे जवान परेड करते हैं नहीं, उस तरह से हमारी महिलाएं और किसान भाई वहाँ पर ट्रैक्टर चलाते हुए एक परेड के तौर पे वहाँ परेड करेंगे ट्रैक्टरों से।